नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आपको आज क्लास ट्वेल्थ का अकाउंटेंसी का पेपर बताने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में आने के चांसेस बनते हैं। तो आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये पेपर है 3.25 घंटे का और 80 नंबर का पेपर है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जाने वाले हैं, जिससे कि वही पेपर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सके। उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए और भी बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका किसी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में डाउट है, तो आप जाइए डाउट नेट के एप्लीकेशन पे, वहाँ जाके आप अपने क्वेश्चन की फोटो क्रॉप कीजिए, उससे सेंड कर दीजिए। आपका आंसर तुरंत ही वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। डाउट नेट की ऐप को लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउनलोड कीजिए डाउट नेट ऐप को। डाउट नेट पर घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए। तो इस पेपर में पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हैं और डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से इस पेपर का थोड़ा जो आपका संख्या है, कितने कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का, ये देख सकते हैं। और पहला जो प्रश्न आता है, जब एक नया साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है, तो फर्म की संपत्ति लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लाता है, उसे राशि क्या कहते हैं। एक नंबर का, अंकित और बसंत फर्म में लाभ तथा हानि को 3:2 में बांटते हुए साझेदार हैं। गोविंद को 1/5 भाग के लिए साझेदार परिवर्तित देते हैं। गोविंद उसे अंकित और बसंत से 2:3 में प्राप्त करता है, और साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा, ये बताना। यानी जो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है वो आएगा 2nd नंबर वाला। अगला है, अ व ब एक फर्म में साझेदार है, ये आपको देखना है, ठीक है। इसमें आपको ज्ञात करनी है अधिलाभों की पूंजीकरण विधि के अनुसार, आपको ख्याति गुडविल आपको पता करनी है। फिर आपका अ ब स है, 5:3:2 है, इसमें आपको क्या करते हैं, लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। इसमें आपको जीवन बीमा जो समायोजन है यानी एडजस्टमेंट है, वो आपको ज्ञात करना है। इसकी जो जनरल प्रविष्टि है वो करनी। फर्म के समापन में समय चिट्ठे में 60,000 रुपये देनदार थे और उनमें से 20,000 रुपये डूब गए, तो 5% बट्टे पर वसूल किए, जनरल एंट्री करनी है। तो प्रश्न पत्र पूरा देखिएगा, मैं आपको पेपर बता रहा हूँ किस प्रकार से आएंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। और इसमें देखिए संभावना है कि इसमें कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। पूरा तो मैंने कहा था कि ये सभी आ जाएंगे, लेकिन वैसे कुछ संभावना जती जा रही है कि आ सकते हैं। और ये पेपर आप देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 2 नंबर का है, एक कंपनी 1 अप्रैल 2011 को 100 रुपये, ये वाला देख सकते हैं। और देखिए पवन एक फर्म में साझेदार, इनमें क्या करना है, आहरण पर 12% वार्षिक ब्याज लगाना है, आहरण और ब्याज की गणना करना है। फिर इससे स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी चार अंतर बताने, उचंती खाता बनाने यानी कि सस्पेंड अकाउंट। फिर मैसेज ये आपका है, इसमें दे रखा है कि लेनदार है भाई, ये जो देखिए लाइबिलिटी और असेंट्स, ठीक है, असेंट्स ये दे रखी, तो मैं आपको ये निकाल दी। ये क्वेश्चन आपका क्लास 11 में भी ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, जो पेपर बता रहा हूँ इसमें से कुछ ना कुछ आ सकते हैं, और इस तरह से पेपर आएगा, ठीक है। तो ये पेपर देख लीजिएगा, तो जो जो देखिए साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न पूछ जाते हैं और साझेदारी का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं अब की बार भी। फिर ये खंड ब है, पार्ट बी, ठीक है, इनमें से एक एक नंबर के देख सकते हैं। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट है, इसका रेशियो है, फिर स्टॉक आवत अनुपात, इनमें आपको रोकड़ बाई वाली तैयार करनी है। और ये प्रश्न ऐसे होंगे, क्लास 11 से थोड़ा बहुत कोर्स हट गए तो की अलग रहता है। फिर पार्ट बी है, अथवा में कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, अथवा में ये जो देर के इसे कर सकते हैं, ज़्यादा ईजी है। तो फिर बता दें इनमें से कुछ ना कुछ पेपर आएंगे, और लगभग इसमें 25 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन हैं, तो 30 में से
कुछ 15 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, तो आप इस पेपर को तैयार कर लीजिए। और भी मैं यहाँ मॉडल पर बताता हूँ, क्लास 12th के इकोनॉमिक्स वगैरह, बिजनेस स्टडीज़, तो भी आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।